श्री माता जी, समस्त चेतनाओं को इस चेतना का प्रणाम। शुभारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का। समस्त यात्री अपने अपने यंत्रों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर लें, अपने अंतःकरण को इस यात्रा में घटित होने वाले अनुभवों को ग्रहण करने योग्य बना लें। अपने बिखरे हुए चित्त को समेट कर इसे अपने हृदय की ओर भेजें। अपने मन में चलने वाले समस्त प्रकार के सांसारिक उपक्रमों को विराम दें। अपनी चेतना को श्री चरणों की ओर अग्रसर करें और अपनी जागृति को पूर्णतया तत्पर रखें, ताकि जो भी इस विलक्षण यात्रा के घटनाक्रम है उनको हमारी जागृति ग्रहण कर सके, आत्मसात कर सके। अपने समस्त संगी साथियों को इस ध्यान के लिए आमंत्रित कर लें, यानी अपनी समस्त संवेदन इंद्रियां, समस्त ज्ञान इंद्रियां जो इस ध्यान के दौरान प्रस्फुटित होने वाली उच्च दर्जे की ऊर्जा को शोषित कर सकें और शोषित करते करते उन्नत हो सकें। तो चलते हैं इस ध्यान यात्रा की ओर अपने ही मध्य हृदय में प्रतीक्षारत श्री मां के समक्ष, जहां पर उपस्थित है इस विश्व की समस्त सूक्ष्म चेतनाएं, उनके बीच में अपना स्थान बनाते हैं और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से प्रवाहित होने वाले चरणामृत को अपने सहस्त्रार के माध्यम से अपने संपूर्ण अस्तित्व के माध्यम से अपने समस्त रोम छिद्रों से ग्रहण करेंगे।
और इसके प्रतिक्रियाओं को अपने संज्ञान में भी संचित करते चलेंगे। कुछ देर के लिए इस सुंदर अनुभव का हम आनंद उठाएंगे। हमारा सहस्त्रार ही नहीं वरम रोम रोम श्री ऊर्जा को आत्मसात कर रहा है। महसूस करें कि हमारा स्थूल अस्तित्व शनै शनै ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। हमारे इस त्रिआयामी अस्तित्व में केवल और केवल दिव्य ऊर्जा ही अनुभव हो रही है।
मानो हम ऊर्जा से ही बने हुए हैं। हमारी आकृति स्थूल ना होकर ऊर्जा की ही आकृति है। जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक ऊर्जा ही ऊर्जा दौड़ रही है। हमारे संपूर्ण ऊर्जा रूपी अस्तित्व से ऊर्जा का ही विकिरण हो रहा है। यानी हमारे ऊर्जा स्वरूप का एक एक सेल रोम रोम ऊर्जा को बाहर की ओर प्रवाहित कर रहा है। हमारा ऊर्जामयी अस्तित्व एक मोमबत्ती की लौ की तरह परिलक्षित हो रहा है। मोमबत्ती की लौ में दो प्रकार के स्वरूप प्रकट होते हैं, एक भीतर की लौ जिसका रंग उजला होता है और उसके चारों ओर एक पीली लौ का आवरण यही स्थिति हमारे इस अस्तित्व में घटित हो रही है। अपने इस प्रकाशित ऊर्जामयी अस्तित्व को महसूस करें।
किसी अवस्था को अनुभव करते करते अपने ही भीतर के ऊर्जामय आवरण में हम विचार रहित चेतना की समाधि में उतरते जाएंगे। अपने ही प्रकाशित आवरण के भीतर शून्यता की समाधि शून्यता की समाधि का आनंद लेते लेते अपनी चेतना को हम केंद्रित करेंगे
अपनी आत्मा रूपी दीपक की ओर हमारे ऊर्जा से प्रज्वलित अस्तित्व की गहनता में हमारी आत्मा रूपी दीपक भी तो प्रकाशित है। पूरा फोकस इस आत्मा रूपी दीपक की ओर अपनी आत्मा के भीतर में अपनी चेतना को धीरे धीरे प्रविष्ट कराएंगे। ज्ञानी हमारी चेतना हमारी आत्मा में समा रही है।
और इसके बाद हम अनुभव करेंगे कि हमारा यह ऊर्जामयी अस्तित्व भी सिमट कर धीरे धीरे हमारी आत्मा रूपी लौ में समा रहा है। यानी हम अपने स्वयं की आत्मा में समाते जा रहे हैं। हमारा बाह्य अस्तित्व हमारी स्वयं की आत्मा में समा गया। अब हमारा अस्तित्व आत्मा का ही अस्तित्व है, या हमारी आत्मा ही हमारा अस्तित्व है। दोनों एकीकृत हो गए। पृथकता समाप्त हुई। हम आत्मा मई हो गए। कुछ देर तक इस एकाकारिता का आनंद लेंगे। अपनी ही आत्मा के भीतर में हम स्वयं को अनुभव करेंगे।
और अब अपनी ही आत्मा के भीतर में, इसी के भीतर में रहते हुए अब हम परमात्मा को अनुभव करेंगे। मानो हमारी ही आत्मा एक परम का मंदिर है और इस मंदिर में रहते हैं हमारे परम पिता परमेश्वर। परम माता परमेश्वरी अपनी ही आत्मा के भीतर में हम अपने अलौकिक दिव्य मात पिता को अनुभव करेंगे। अब अनुभव करेंगे कि हमारी आत्मा के भीतर में रहने वाले परम में समा रही है और हम भी अपनी ही आत्मा के भीतर में
परम के साथ एकाकार हो रहे हैं। जैसे एक प्रकाश की किरण अपने स्रोत में वापस समा रही हो, कितना सुखद एहसास है ये, हम परमात्मा रूपी सूर्य के भीतर उसके प्रकाश के रूप में उपस्थित हैं। हम अस्तित्व विहीन, आकृति विहीन प्रकाश हैं।
कितना आह्लादित करने वाला एहसास है ये। हम स्वयं प्रकाश है। अब हम प्रकाश के अस्तित्व में अपने ही घर के भीतर में एक एक कोने को प्रकाशित करते चलेंगे। अपने पूरे घर में हम प्रकाश के रूप में ही भ्रमण करेंगे। अब हम किसी भी मानव को चुनेंगे जो हमारे संपर्क में है, और ऐसा मानव अत्यंत उदास व दुखी है।
या यदि कोई संपर्क में नहीं तो कोई भी जिसे हम जानते हैं या जो हम महसूस करते हैं, ऐसे किसी भी मानव को चुनकर हम उसके हृदय में प्रकाश बन के प्रवेश करेंगे। डायरेक्ट सीधा सेंट्रल हार्ट में, सहस्त्रार की भी आवश्यकता नहीं। और प्रतिक्रियाओं को महसूस करें कि जब हम किसी के हृदय में प्रवेश कर गए हैं तो उसके हृदय की प्रतिक्रियाएं हमारे ही अपने हृदय में ऊर्जा के रूप में अनुभव हो रही हैं। के बाद हम अपनी चेतना में लाएंगे संपूर्ण विश्व के दुखी, उदास, निम्नता से आच्छादित, जो अपने आप को अन्यों के तुलना में निम्न समझते हैं, अपराध बोध से ग्रसित, हीनता से बाधित, तुच्छता के एहसास से अभिभूत, समस्त मानवों को अपनी चेतना में लाएंगे। और प्रकाश बन, प्रकाश के अस्तित्व में हम सभी के हृदयों को प्रकाशित करेंगे।
इसके उपरांत समस्त सच्चे सहयोगियों को अपनी चेतना में लाएंगे। और उन सब के भीतर भी हम प्रकाश के रूप में प्रवेश करेंगे। इसके बाद अपनी चेतना में हम लाएंगे ऐसे समस्त मानवों को जो आजीवन मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मानवता का कल्याण करने की रात दिन सोचते हैं। इन सभी के हृदयों में भी हम प्रवेश करेंगे प्रकाश के रूप में।
इसके बाद हम अपने देश में धरनारत समस्त किसानों के हृदयों में प्रकाश बनकर गुजरेंगे और उनके हृदयों में भी प्रकाश को प्रवाहित करेंगे। और अब आपस में एक दूसरे के हृदयों को अपने प्रकाश रूपी अस्तित्व से प्रकाशित करते चलेंगे, या यूं कहें प्रकाश के रूप में एक दूसरे के हृदयों से गुजरेंगे।
इस अनुभव के बाद हम अपने स्वयं के प्रकाश रूपी अस्तित्व के ध्यान में कुछ देर के लिए उतर जाएंगे। हम ही प्रकाश हैं। इसी अनुभव का हम ध्यान करेंगे। इसी के साथ यह यात्रा का समापन होता है। जय श्री माता जी।